I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. बाबू चलो साहब ने बुलाया है। छोटे पठान रज्जू सिंह और शर्मा जैसे खतरनाक क्रिमिनल्स के हमराज हो तुम, जो हथियार ड्रग्स और ऐसे कई गैर कानूनी काम करते हैं। फिर भी स्पेशल परमिशन लेकर मैंने तुम्हारी जमानत करवाई है, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर रहम आया है या मुझे तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी है, लेकिन इसलिए कि मैं जानता हूं कि गुनाह तो गुनहगार करता है लेकिन सजा उसके परिवार वालों को भुगतनी पड़ती है। तोड़ कर आए हो भाग कर या पुलिस इंस्पेक्टर के दया से छूट कर? पूर्णिमा, घर की यह हालत, ये सब कैसे हुआ? उन लोगों ने मुझे वादा किया था कि अगर मैं खामोश रहूंगा तो मेरे परिवार की देखभाल करेंगे। वो लोग देखभाल करेंगे? बेईमान के जुबान का कोई ईमान नहीं होता, जो कानून तक को धोखा दे सकते हैं वो तुम्हारे साथ वफादारी कैसे कर सकते हैं? देखो इन बच्चों को कैसे लवारिस की जिंदगी जी रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम। क्या है इनका भविष्य? क्या हमारा बेटा अर्जुन तो शायद चोरी बदमाशी करके अपना पेट पाल लेगा, लेकिन हमारी बेटी, उसका क्या होगा? उसको कैसे पालूं मैं? उसको मैं कहां ले जाऊं? उसकी तो शायद डोली भी नहीं उठ पाएगी, उसके नसीब में क्या कोठा लिखा है? उन लोगों ने मेरी खामोशी की सजा मेरे परिवार को दी, अब मैं उनके किए की सजा उन लोगों को दूंगा, जरूर दूंगा। पठान को आज पहली और आखिरी बार किसी ने धोखा दिया है, सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसी खौफनाक सजा जिसकी दहशत से हर धोखेबाज के दिल में हमारे खिलाफ गद्दारी का इरादा तो क्या ख्याल तक नहीं आएगा।
शहर। जिनकी खातिर तूने हमसे गद्दारी की उन्हीं के सामने तुझे सजा देने का फैसला किया है हमने। सरेआम ये बताना चाहते हैं कि गद्दार का हश्र क्या होता है। एक बार माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं पूर्णिमा, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। नहीं पूर्णिमा, एक बार उन्हें माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे यहाँ। एक बार तेरे आंसू देखकर छोटे पठान को रहम आ गया है। जा, तेरे और तेरे शोहर की जान बख्शी, लेकिन मैं तुम दोनों को एक ऐसी सजा दूंगा जो इससे पहले न किसी ने सुनी हो न देखी हो। नहीं, नहीं, तेरी बच्ची हमारे साथ जाएगी, 10-12 साल अपने पास रखकर हम उसे जवान करेंगे, उसके बाद उसे हम मुंह मांगी कीमत पर बेचेंगे। कमीने, हर रात जब वो चीखेगी तो मुझे याद आएगी कि इस गद्दार को क्या सजा दी थी मैंने। हर रात जब लोग उसे नोचेंगे तो उसका हर जख्म मेरे लिए मरहम बन जाएगा, और हर सुबह जब वो मौत की भीख मांगेगी वही मेरा सुकून होगा। बड़े खुशनसीब हो बाबू, तेरी बेटी हर रात सुहागन होगी और हर सुबह देवा। अरे दलील, चलो। शहर के चप्पे चप्पे को छान लिया है, लेकिन छोटे पठान रज्जू सिंह और शर्मा का कहीं पता नहीं चला है। मुझे तो डर है कहीं वो तीनों इस शहर से ही फरार ना हो गए हों।
अर्जुन बेटा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे इन छोटे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थोप रहा हूं, लेकिन बेटा इन हालात में तुम्हें अपनी मां को संभालना होगा। वो बेचारी इस हादसे से टूट गई है, उनकी जिंदगी इस उम्मीद पर बंधी है कि हम लोग पूजा को बचा लेंगे, लेकिन मुझे डर है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो शायद तुम्हारी मां। कुछ नहीं होगा मेरी मां को, कुछ नहीं होगा। मैं उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। मैं पूजा को हर हाल में ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो इस दुनिया के किसी भी कोने में हो। मैं करूंगा अपनी बहन की तलाश। तलाश, 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 तलाश। कमिश्नर साहब, इस बार बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हाथ लगा है, करोड़ों रुपए की ऑटोमेटिक वेपन्स है। शाबाश अर्जुन, पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं पूरे देश को तुम पर नाज है, और हर बार की तरह इस बार भी गवर्नमेंट के इनाम के हकदार तुम ही हो। पूर्णिमा बहन, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अर्जुन, पूजा कहाँ है? हाँ, पूजा को नहीं लाया? कहाँ है पूजा? पूजा कहाँ है? हाँ, कहाँ
है पूजा। अरे डॉक्टर देखो ना, पूजा को नीला, पूजा को नीला, मैं पूजा को तेरे पास लेके आऊंगा, मैं पूजा को लाऊंगा। कब लेके आएगा तू? संभालिए अपने आप। कब लेके आएगा? क्यों नहीं लाया उसे तू? देख देख देख, नहीं वो लेके जा रहा है पूजा को, देख वो लोग लेके जा रहे हैं। नहीं माँ, बेचेंगे नहीं, बेचेंगे माँ, नहीं बेचेंगे माँ, नहीं बेचेंगे। जून उसे बचा ले, रोक ले, बस कर माँ, बस कर, माँ। पूजा किसी बाजार में नहीं बिकती और ना ही बिकेगी। मेरी जिंदगी के दो किनारे हैं, एक पे तू खड़ी है और दूसरे पे मेरी बहन पूजा। दोनों किनारों को मिलाना ही मेरा मकसद है। छोटे पठान रज्जू सिंह, तुम्हारी लंबी कड़ी तपस्या के बाद आज पहली बार हमें ऐसा सुराग मिला है जो शायद हमें पूजा तक पहुंचा सके। आज से 10 साल पहले छोटे पठान और उसके गैंग ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी और यहां से फरार होकर गाजियाबाद पहुंच गए। वहां पर एक पुलिस चेस के दौरान उसकी जीप पलट गई। उस हादसे में छोटे पठान और उसका साथी रज्जू सिंह मारा गया। इसके बाद शर्मा ने गैंग की बागडोर संभाली, लेकिन कुछ ही दिनों में ये शर्मा गायब हो गया और उसकी खबर हमें आज तक नहीं मिली। लेकिन अचानक इतने साल बाद पहली बार इन लोगों के मुंह से शेट्टी का नाम उभरा है। शेट्टी जो आज के दौर का एक नामचीन आर्म्स स्मगलर है, लेकिन एक वक्त पर छोटे पठान का ड्राइवर था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज से 10 साल पहले जिस दिन पूजा को अगवा किया गया था, उस गाड़ी का ड्राइवर यही शेट्टी था। ये शेट्टी हमें पूजा तक पहुंचाएगा। अर्जुन, मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया है और ता जिंदगी दूंगा, क्योंकि कहीं मेरे दिल में एक कसक है कि मैं भी तुम्हारे परिवार का गुनहगार हूं। कानून के अपने दायरे हैं और इस वर्दी की बंदिशों को तोड़कर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम कानून से बंधे नहीं हो और तुम जानते हो कि तुम्हारा मकसद क्या है। मुझे शेट्टी कहां मिलेगा? मुझे शेट्टी, पहचाना मुझे? तुम लोगों ने मेरा बचपन छीन लिया। बाबू याद है जिसे मारकर उसकी मासूम बच्ची को अगवा कर लिया था? मैं उसी बाबू का बेटा हूँ, मैं उसी मासूम पूजा का भाई हूँ। अर्जुन, बता मेरी बहन कहाँ है? ना ना, हम मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। दूसरी बार पूछने की मेरी आदत नहीं है, अगर पहली बार में कोई जवाब नहीं देता तो मैं उसकी जान ले लेता। बताता हूँ, डीके जानता है, डीके शर्मा। छोटे पठान और रज्जू सिंह के मरने के बाद वही हमारे गैंग का बॉस है, उसे कुछ लोग सिर्फ शर्मा के नाम से जानते हैं। शर्मा कहाँ मिलेगा मुझे शर्मा? वो उसकी बेटी के साथ अमेरिका से दिल्ली 5 बजे की फ्लाइट से आ रहा है। 5 बजे? अभी तो 4:30 बज गए। सर, मैं आधे घंटे में मुंबई से दिल्ली नहीं पहुंच सकता। सर, इतनी तलाश के बाद आज मुझे शर्मा तक पहुंचने का मौका मिला है। सर, मैं खामोश नहीं रह सकता, मैं हार नहीं मान सकता।
मुझे किसी भी हालत में शर्मा तक पहुंचना है, किसी भी हालत में शर्मा तक पहुंचना है। अर्जुन, परसों तुमने कानून की मदद की है, आज कानून तुम्हारी मदद करेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बाद इंडियन गवर्नमेंट भी चौकन्नी हो गई है। प्लीज सिट डाउन। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जो क्लोज सर्किट कैमरा लगे हैं, उन सब का कनेक्शन इस कंट्रोल रूम से है, डायरेक्टली अपलिंक्ड वाया सैटेलाइट। सावंत, ये सब फ्लाइट 002 फ्रॉम न्यूयॉर्क, उसका स्टेटस पता करो। जो भी पैसेंजर्स इन टर्मिनल्स पर आते हैं, उन पर हम यहीं से निगरानी रख सकते हैं। सर, द फ्लाइट हैज लैंडेड सर। वंडरफुल। इस फ्लाइट के एरोब्रिज से निकलने वाले पैसेंजर्स के कैमरा को इस बड़े स्क्रीन पर लाओ। अगर शर्मा इस फ्लाइट से आया है तो हमारी नजरों से बच नहीं सकता। इतने साल बाद उसे पहचान पाएंगे? कई साल पहले हमारा एक एनकाउंटर हुआ था, वो बच निकला था, लेकिन उसका चेहरा मुझे याद है। मैं किसी मुजरिम का चेहरा नहीं भूलता। Hey, zoom in. Yes, sir. Yes, that's Sharma. That's him. Savant, immigration से D.K. Sharma का पासपोर्ट नंबर पता कराओ। I want all his details. Yes, sir. Immediately. ये शर्मा वो शख्स है जिसने तुम्हारे पिताजी को छोटे पठान के गैंग से मिलवाया था। उस वक्त वो एक छोटा प्यादा था, लेकिन आज उस गैंग का बॉस बन गया है। यही तुम्हें तुम्हारी बहन तक पहुंचा सकता है। वो आप देख रहे हैं, उसकी बेटी, जिसे वो हर बाप की तरह बहुत प्यार करता है, वो लड़की ही मेरी बहन तक पहुंचने का जरिया बनेगी। छोड़ने पैलेस ऑन मील्स पर दिल्ली स्टेशन गए हैं। हाँ, टीना फर्स्ट टाइम इंडिया आई है ना, इसलिए वो राजस्थान घूमने जा रही है। इसी बहाने उसकी छुट्टियां भी कट जाएंगी। पैलेस ऑन व्हील्स प्लेटफॉर्म नंबर 7 से छूट रही है, कृपया प्लेटफॉर्म के किनारे से दूर खड़े रहें। धन्यवाद। खान, बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए साहब आप? दुख की बात है साहब, इस ट्रेन में कमबख्त हर आदमी टिकट लेके चढ़ता है। नहीं नहीं, दुख तो होगा ही, दिल्ली वाले हैं क्या? दिल्ली को क्यों दोष देते हो, सारे मुल्क का यही हाल है। अरे साहब, मैं तो कहता हूँ ना, इस मुल्क को दोष दो ना दिल्ली को, बल्कि सारा दोष इस ट्रेन का है। इसकी टिकट इतनी महंगी है कि कोई भिखारी भी बिना टिकट लिए यहाँ पे चढ़ने की कोशिश नहीं करता। एक भिखारी साहब को मिलाता हूँ। अरे पेप्सी, अब की बार तू इस ट्रेन में किसकी प्यास बुझाने चढ़ा है, मुझे बता बता। आपकी नहीं। ये किनारा आत्मा जो भटकते भटकते आपके इस पैलेस में आ पहुंची है, पुण्य का काम है। मैंने सोचा थोड़ी सी मदद तो कर दूं आपकी। पैसा नहीं लाया? बैंक में भूल आया। तुझसे बाद में ले लूंगा। देखिए, मैं परोपकार के काम में मना नहीं करता। जा पुण्य कमा, लेकिन संभाल के आइए। सर आइए ना, सर आइए ना, हिसाब किताब चलता रहता है। और जनाब, ये हमारी ट्रेन का रेस्टोरेंट है, जहाँ पर दुनिया भर के अलग अलग विक्रम प्राणी बैठ के शाही अंदाज में कैसे हिल रहे हैं, देखिए। और वैसे भी यहाँ पर किसकी पत्नी किसके पति के साथ है, यू नेवर नो। क्या भाग्य है आपका, रुपया पैसा बंगला गाड़ी और सुंदर और वफादार पत्नी। क्या हुआ? अनर्थ, घोर अनर्थ। ब्रह्मा जी ने आपके साथ घोर अनर्थ किया है। आपके हाथ में पुत्र की लाइन डालना ही भूल गए हैं। अरे क्या बात करते हो, मैं बच्चे का बाप हूँ। समझ गया, समझ गया, मैं समझ गया।
अरे तुम्हें समझ गए, पर मेरे को भी समझाओ ने। अरे ब्रह्मा जी ने आपको दूसरे रास्ते से बाप बना दिया है। जिसको ऐसी बीवी मिले उसके तो नसीब खुल जाए ना, जिसको ऐसा ज्योतिषी मिले उसके तो भाग फूट जाए ना। अच्छा, आपका नाम? पोपट भाई। और आपका? कोकिला बेन, कोक्स फॉर शॉर्ट। अच्छा, नाम से कोक और शॉप पेप्सी का। गुड वन, गुड वन। अगर 15 अंडे का आमलेट, 12 टोस्ट, क्या दो बाल्टी दूध लेकर आ। अच्छा, तंदूरी मुर्गी और चिकन, चा 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 चा। काम बन गया। एक काम कर, 4 प्लेट तंदूरी मुर्गी, बड्डे वाले बड्डे वाले, 6 प्लेट शामी कबाब, ठीक है, और 8 प्लेट बिरयानी जल्दी लेकर आ। अच्छा, बस इतना ही खाओगे ना? इतना तो मैं अकेला खाऊंगा, इतना ही मेरी बीवी खाएगी। मैडम, कहीं आप वो मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रेमा मालिनी तो नहीं? अरे मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ मैडम। ये पैलेस ऑन व्हील्स तो आज पैलेस बना है। मैंने आपकी सब फिल्में देखी हैं, छोले, कर्जा लेके मर जा, चुड़ैल का बदला, विद्या गाड़ी में, बंदूक साड़ी में। आप आए बाहर आए, वरना मैं घर के अंदर थी। और वो आपकी जो सोशल फैमिली फिल्म थी ना, जो बहुत चली, सुई धागा, अरे वो मैंने तो 16 बार लाइन में लाते खा खा कर मैंने देखी है। अरे आपको नहीं मालूम मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। मैडम, कहीं आप वो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की बहन तो नहीं है? ये तुझे हेमा मालिनी की बहन नजर आती है? अरे वो तो मेरी उम्र की है, ये तो उसकी बेटी की उम्र की है। अभी इसका 16वां बर्थडे मनाएंगे, 16 मोमबत्तियां जलाकर। दोनों तरफ से जलाएगी? शट अप। थैंक गॉड बच गई हूँ से, मॉर्निंग से मेरे पीछे पड़ा है। प्राणेश्वरी, तुमसे बचने के लिए मैं इधर आया, तुम इधर भी। मेरे प्रबल प्रेम बात से बचकर तुम जाओगी कहाँ? मेरी हृदयेश्वरी, मेरे अदरों का तनिक अमृत पान करो, मेरे शक्ति प्रेम ज्वालों का तनिक शांत करो। ओम करम खाना बनाते बनाते तुम भी बहुत हॉट हॉट हो गया है। हम तनिक उत्तरीय भारतीय हैं, गर्मी हमारे स्वास्थ्य रंग और रक्त में है। हमें तनिक शीतल करो, हमें अपने आलिंगन में ले लो भाग्य से। सुबह से तुम एक, दो, तीन, चार, ओ नो, ओ नो, बेबी। जोगन बोले जोगिया जोग लगा ले, दिलहन के संग प्रीत का रोग लगा ले। दिलहन के संग प्रीत का
बॉडीगार्ड्स हैं। What? चलो इस जिल के बहाने ये तो पता चला कि इस ट्रेन पर किसी में हिम्मत तो है। Get up, my bodyguards. तुम्हारे बॉडी को तो खुद गार्ड्स की जरूरत है। मोहम्मद अली, इसको भी। ब्रूस ली, इसको नहीं। तनिक हरी हरी चूड़ियां पहन लो हाथों में। चलो चलो सांडो भैंसो। तलाश। एक्सक्यूज मी पापा जी, पिछले साले को बड़े कमाल का शेर मारा था, अर्ज करूं? फरमाइए। अर्ज किया है कि खुशी खुशी वो चीज है जिसे दिल बहलाया जाता है। अजी खुशी वो चीज है जिसे दिल बहलाया जाता है, पर गम हम वो चीज है, और गम गम वो चीज है जिसे कागज चिपकाया जाता है। वाह वाह पापे वाह, मैंने तो आधा शेर मारा था, तूने तो पूरा ही मार छोड़े। वाह जियो जियो पापे जियो। पापा जी आपका शुभ नाम क्या पड़ता? अर्जुन। अर्जुन वो तीर। पापा जी आपको तो कुरुक्षेत्र में होना चाहिए था, आप भला यहाँ पर क्या कर रहे हो? निशाना साधने की कोशिश कर रहा हूँ। गड्डी रुक गई है, गड्डी क्यों रुक गई पापा जी? पापा जी गड्डी क्यों रुके? स्टेशन पे आया कोई नहीं तो गड्डी तोड़ा को तो नहीं आया। पापा जी गड्डी क्यों रुके? अरे क्यों रुके? एक मिनट एक मिनट ट्रैक पर एक्सीडेंट हुआ इसलिए गाड़ी रुकी है। तो क्या रात भर ये ट्रेन नहीं रुकेगी? मैडम जब तक मलबा नहीं हटेगा गाड़ी को यहाँ रुकना पड़ेगा। टिकट तांत्रिक भाषा जी तनिक हमें इस बात का ज्ञान देंगे कि और कितना समय लगेगा? घंटा डेढ़ घंटा। मजा आ गया, फिर तो हम लोग जंगल का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जंगल भाई साहब देखिए बाहर ऐसे कुछ जानवर भी है जो आपको चेक कर जाने में ज्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। बाबा मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। कहाँ कचरे में फंस गए बेबी, कमरे में चलो वरना यहाँ भी तुम्हारे फैन जमा हो जाएंगे ऑटोग्राफ मांगने के लिए। जानवर आएंगे ऑटोग्राफ लेंगे। जानवर छोड़ो आप जरा इनको संभालो। संभालो संभालो। आपका क्या विचार है किस बारे में? किस के ही बारे में? मेरा मतलब है जंगल के बारे में। क्यों तनिक, हम वहाँ पर जाकर शिकार शिकार खेलेंगे। बाबा ना वहाँ कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपना कार्यक्रम वहीं समाप्त कर देंगे। और अगर जानवर नहीं आया तो तुम्हारे हाथ पीले होने से पहले मैं अपना मुंह काला करके आऊंगा और तुम ऐसा शुद्ध विचार हमेशा अपने दिमाग में लाया करो। चलो जंगल में मंगल करते हैं। इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है, नाइट मैच वो भी विदाउट लाइट्स, देखने में मजा आएगा। बॉल टेम्परिंग देखते हैं। टीना बिल्कुल अकेली है, यही मौका है। ये तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि छेड़ से बचकर हम लौट आए। रहने दो रहने दो, वो एक मरिया सा सड़ा हुआ कुत्ता था। अरे नहीं भाई, वो क्या है कि सवा शेर के साथ रहते रहते तुमको आजकल शेर भी कुत्ता नजर आता है। प्लीज, चूहे से डर कर खाते हो और खुद को सवा शेर कहते हो। वो तो एक बात क्या थी कि एक जंगल के अंदर दो शेर नहीं रह सकते ना, इसलिए एक शेर को लौटकर ट्रेन में आना पड़ा। शट अप, वो कुत्ता था। वो शेर था कुत्ता। शेर कुत्ता शेर कुत्ता शेर। कुत्ता था। माता श्री तनिक आप हमें बताएंगे कि आपको कैसे मालूम? अरे क्योंकि हम तो लाइव मैच देख रहे थे। कुत्ता। अरे बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ। वो लोग लेके जा रहे, वो लोग बेच देंगे मुझे, तो वो लोग बेच देंगे। अच्छा आंजल भैया, आंजल
वक्त बहुत कम है, जल्द से जल्द टीना को किडनैप करना होगा। हाँ तो भाई और बहनों, ये अति सुंदर, अति सुंदर स्थान है। पेप्सी, आज तेरे बुलबुले उबलना बंद हो गए। अबे कैसे उबलेंगे बेटू, मोदी एक वो बड़ा बुलबुला उसके साथ लगा लो पास। मेरे जुगाड़ू एंकिल, जुगाड़ चलाओ, हुनर दिखाओ, पुण्य कमाओ भाई। वो पुण्य कमाने के लिए प्रेरणा इंस्पिरेशन रोकड़ा चाहिए रजाक को। खाता में लिख लिया? वो खाता ने रोकड़ा सुना नहीं तू? पेप्सी को कोक से मिला आदाब। ए उधर नहीं इधर। मम्मी हाँ? वो अपने जो गुजराती है ना रे पोपट पोपट भाई हाँ? वो एक बहुत बड़े बजट की हिंदी फिल्म बना रहा है हाँ? उसे एक हीरोइन की तलाश है हाँ? प्रेमा जी का चांस लग सकता है। 50 लेती है साइनिंग अमाउंट। 50 रुपए तो मेरे पास भी है, मैं भी दे सकता हूँ। अरे जन्म जले, 50 रुपए नहीं 50 लाख। चाचा कहीं खरीदने आया है और फिर चाचा शिफ्टे करती है दिन में, फुर्सत कहाँ इसके पास। वो तो दिख रहा है। और फिर सुन, उनको जरूरत होगी तो वो खुद आएंगे। तू सुखकर काटा क्यों हो जा रहा है? मम्मी, इस कांटे ने सोचा कि अपना फर्ज निभाए, इसलिए वो फंसाने चला आया। अब आ गया, आप जानिए आई एम अ वेरी बिजी मैन, मैं काम पे निकला हूँ। पोपट तो काम से गया। अरे बेबी, बड़ा तगड़ा मुर्गा फंसा है, तोता उड़ जाए इसे पहले पकड़ के पिंजरे में बंद कर ले, समझी? समझ गई। पोपट भाई, माया तेरे तीन नाम, परसी परसा परसराम, माया मोइना मुआ मरी। अरे भैया अंतर रखो, कवच टूट जाएंगे। उपाध्याय मैं फोर्ट के अंदर जा रही हूँ। ठीक है, हम इन भैंसों को बाहर घुमाते हैं, क्यों मोना डाल लें। कवच सलामत है ना? उपाध्याय, ले जाने का इरादा तो नहीं? ए, हिम्मत है तो उड़ा ले जाओ। तरह
खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है, तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। भोलेनाथ का प्रसाद है, इसे खाने से नशा चढ़ता है, आदमी मस्त हो जाता है। हम पिछली बार खाए थे ना, 3 रोज तक नाचते रहे थे। तो 20 किलो ले लो और ट्रेन में सबको बांट दो। लेकिन बेबी आज कौन सा पर्व है? हाँ कह देना कि टीना बेबी का बर्थडे है। लाओ लाओ है, आपके हाथ की सभी रेखाएं गायब है, आपको तो सफेदिया हुआ है। लप्पू अंकल नशे में तो हम भी हैं, पर समझ में नहीं आ रहा क्या हंस रहे हैं, क्या रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से ना ये हंस रहे हैं, ना रो रहे हैं, ना ये सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। ये गूंगे और बहने हैं, इनके सारे डिपार्टमेंट बंद हैं। ये लाल झंडे पे गाड़ी क्यों नहीं रोकी? अरे भैया ड्राइवर की मर्जी, वो रोके न रोके उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सुनो तुम, अरे लड्डू दे। माते जी ये लड्डू आपने किस किस को खिलाए? गार्ड से लेके लोकपत गामिनी चालक तक, यानी के इंजन ड्राइवर तक सबको खिलाया। आप जानते हैं आपने क्या किया है? आपके इस मजाक का क्या अंजाम हो सकता है? हमसे गलती होगी क्या?
कर लो सबकी सोच। आहिस्ते 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 संभाल के। गॉड ये एक्सीडेंट नहीं नहीं नहीं। माफ कर दो। किस बात का गुरूर है तुम्हें? पैसे का, ताकत का या अपनी जवानी का? तुम जानती हो तुम्हारा ये बेहुदा मजाक आज कितने मासूमों की जान ले लेता। इतनी चिताई जलती कि उनके जुर्माने का भुगतान तुम्हारे बाप की सारी दौलत नहीं दे पाती। ऊंचे ऊंचे लोग और इतनी नीची हरकतें। तुम लोग क्या जानो किसी की जान की कीमत? अर्जुन भैया टीना बेबी से बहुत ज्यादा ही नाराज है। देख लेना, टीना बेबी अर्जुन को मना के रहेंगी। अच्छा हाँ। शुरू। क्या
बहुत अच्छा सवाल पूछो छोरी के होगो थारो के होगो थारो रानी के तो आपने सोचो है जैसो सुरीलो आवाज वैसी रसीली छोरी है भाइयो चल ढूंढते चल 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 बार बचाई है कि अब तो मेरा अपना कुछ नहीं रहा। दिल तुम्हें पहले दे चुकी थी लेकिन अब तो अपनी जान पर भी मेरा कोई हक नहीं। मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी जान की हिफाजत करनी है। लगता है तूफान आने वाला है। आओ कहीं रुक जाते पता है अर्जुन, मैं सबसे पहले दिल्ली जाकर क्या करूंगी, तो मैं अपने डैडी से मिलवाऊंगी। वो दो चार दिन बाद अफ्रीका से दिल्ली आ रहे हैं। तो फिर तुम दिल्ली किसके साथ आई हो? डीके अंकल, डीके शर्मा, वो मेरे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जानते हो अर्जुन, दुनिया में हर लड़की एक ऐसा इंसान चाहती है जिसके अंदर इंसानियत हो, ऐसी मजबूत बाहें जो उसकी हिफाजत कर सके, एक ऐसा दिल वाला जिसके साथ वो अपनी खुशी और अरमान बांट सके, ऐसा मजबूत कंधा जिस पर सर रखकर सपने सजा सके। आई लव यू अर्जुन, आई लव यू। Thank you.
बाग है? आपने अर्जुन को देखा है? नहीं बेबी। आपने अर्जुन को देखा है? मालूम नहीं। शक्ल देखी है? आपने अर्जुन को देखा है? हमें क्या लेना देना? हमारे पड़ोस को भूल जाओ। और आपने तो अर्जुन को देखा होगा। नहीं, हमने नहीं देखा। हमने सारी ट्रेन छान मारी। शूट है। अर्जुन कहीं नहीं मिला। वो आएगा। चलो टीना बेबी, अभी हमें बंगले पर पहुंचना है। आज तुम्हारा पापा के साथ रिटर्न फ्लाइट भी है। चलो टीना बेबी, चलो। पुलिस वाले? कौन?
व्हाट व्हाट किलर बताओ। मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन बाबू का बेटा अर्जुन, जिसे मारकर उसकी बेटी को उठाकर लेके चले गए थे तुम। क्या याद है तुम्हें? याद है, याद है, याद कर, कर याद। बता बता मेरी बहन का है? मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोलता हूँ मुझे नहीं मालूम। बता बता, मैं आखिरी बार पूछता मेरी बहन का है, बता वरना देख। मुझे जान से मत मारो, मत मारो मुझे जान से प्लीज। मैं सच कहता हूँ, मुझे तुम्हारी बहन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, प्लीज प्लीज। तो कौन जानता मेरी बहन के बारे में? रज्जू सिंह, रज्जू सिंह को मालूम है। तुम्हें तुम्हारी बहन तक सिर्फ रज्जू सिंह पहुंचा सकता है, सिर्फ रज्जू सिंह। तुम झूठ बोलते हो, रज्जू सिंह को मरे हो बच जाओगे। नहीं नहीं, वो सिर्फ कानून और दुनिया के लिए मर चुका है, लेकिन लेकिन रज्जू सिंह जिंदा है। इसका मतलब छोटे पठान भी जिंदा है? नहीं, छोटे छोटे पठान मर चुका है, वो मर चुका है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तो फिर रज्जू सिंह कहाँ है? रज्जू सिंह को मैं अभी एयरपोर्ट छोड़ के आया हूँ, वो अपनी बेटी टीना के साथ अभी अभी साउथ अफ्रीका चला गया। मुझे जानता हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जा छोड़ दिया। तुम्हारी माँ एक भ्रम को सच मानकर जी रही है और ये उनकी दिमागी हालत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि जिस दिन वो भ्रम टूटेगा और उन्हें हकीकत का सामना करना पड़ेगा तो वो टूट सकती है। जी मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। वो मेरी आरती को अपनी पूजा समझती है। अर्जुन ये कौन है? अरे शैतान बच्ची, अपने भैया को नहीं पहचानती? चल ये तेरे भैया है। अर्जुन ये पूजा है। ए, पूजा। अर्जुन भैया मेरी पूजा बिल्कुल वैसी है, शरारती सिद्धि नटखट। मैं तो भूल गई थी आज कौन सा दिन है। आज रक्षाबंधन है। हाँ आज रक्षाबंधन। चलो भैया को राखी बांधो। पूजा कहाँ है? मेरी पूजा कहाँ है? कैसी है वो? मेरे बगैर वो कैसे जी रहे होंगे इतने साल मेरे बगैर? वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? पूजा कहाँ है? पूजा कहाँ है? बताओ पूजा कहाँ है? 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 अर्जुन भैया आप प्लीज पूजा दीदी को ले आइए। मैं वादा करता हूँ अगले साल रक्षाबंधन पर तुम और मेरी पूजा दोनों मुझे राखी बांधेंगे। अर्जुन ये देखो, शर्मा की खबर सही थी, रज्जू सिंह जिंदा है। अगर हमें पहले पता होता तो हम उसे वहीं पकड़ लेते। यानी कि मेरी जरा सी गलती की वजह से आज बहुत देर हो गई है। आज मैं फिर वहीं आके खड़ा हो गया जहां से मैंने अपना सफर शुरू किया था। नहीं अर्जुन, अर्जुन मायूस मत हो, भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देता है तो उम्मीद की किरण भी वही दिखाता है। अभी तो तुम्हारी जंग शुरू हुई है, तुम्हें अब रज्जू सिंह की तलाश में साउथ अफ्रीका जाना है। माना कि हम लोग नहीं जानते कि वो क्या काम करता है, कहां रहता है, लेकिन वहां एयरपोर्ट पर तुम्हें सरदार विचित्र सिंह मिलेगा, जो पहले मुंबई क्राइम ब्रांच में हवलदार था लेकिन रिटायर होने के बाद अब साउथ अफ्रीका में टैक्सी चलाता है। तुम उस पर उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना तुम मुझ पर करते हो। ओ अर्जुन
वेलकम टू साउथ अफ्रीका और डोंट फियर सरदार इज हियर आई एम बचित्र सिंह वेलकम वेलकम। लेकिन आपको कैसे मालूम कि मैं अर्जुन हूँ? और कमिश्नर साहब ने आपके पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी मुझे भिजवा दी थी। और अर्जुन पुराम, मुझे ये तो पता है कि आप साउथ अफ्रीका कहाँ से आ रहे हैं, और लेकिन ये पता नहीं है कि आप साउथ अफ्रीका क्यों आ रहे हो। चलिए मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है पुराम, बताओ। सिंह, ये नाम पहले तो मैं कभी नहीं सुने अर्जुन प्रा। अच्छा, तो फिर यहाँ के अंडरवर्ल्ड की जानकारी कहाँ से मिलेगी मुझे? मैं क्या, डोंट फियर सरदार इज हियर, एक जगह है होस्टेस क्लब, इस शहर दे अंडरवर्ल्ड का दरवाजा उथे ही जाके खुलता है। अंडरवर्ल्ड दे जिन्हें कुत्ते कमीने कंजर हराम खोर है गे ना, वो सारे उथे ही जाके पानी पींदे है। ओए उथो दिया कुड़ियां, वो तो बम है, और क्लब दी मालकन कामनी होता है एटम बम है। मना करने के बावजूद तू घूरना बंद नहीं किया? अबे ओ लंगूर, What? तुझे चिड़ियाघर से किसने निकाला है? जा अपने पिंजरे में जाके उछल कूद कर, आंखें मत दिखा मुझे। माय सन, यहां मेरे मर्जी के खिलाफ जो आंखें उठाता है उसी में आंखें निकाल देता हूं। और जो मुझे मेरी जान को देखने से रोकता है मैं उसकी जान। Boys, kill him! Come on, you monkey brand. Listen, you mess with the wrong guy, okay? मेरा नाम जूनियर है, जूनियर ब्लैक जोन का छोटा भाई। मेरे पे हाथ उठा के तूने अपनी मौत की तारीख पक्की कर ली है मैन। I'm not gonna leave you, man. Out. I'll finish you. कामिनी। अर्जुन। आओ मेरे साथ। जूनियर के साथ वही दुश्मनी ले सकता है जो इस शहर में नया हो। हाँ, नया हूँ, लेकिन इस शहर के लोग इतने डरपोक हैं मुझे मालूम नहीं था। यहाँ के लोग इतने भी डरपोक नहीं कि दिल की बात सुबह तक ना ला सके। तो फिर दिल की बात सुबह तक लाने में इतनी देरी क्यों? मैं सोच रही हूँ कि जिसका हाथ मैं थामने जा रही हूँ वो मेरा साथ कहाँ तक देगा। तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना होगा या मुझ पे, फैसला तुम्हारे हाथ में है। खुद पे तो पूरा भरोसा है, तभी तो अपना दिल तुम्हारे हवाले कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूंगी, जहां पर एक आम आदमी का पहुंचना तो दूर सोचना भी नामुमकिन है। चलो मेरी दुनिया में, चलो मेरे साथ।
ग्लैमर ऑफ द अंडरवर्ल्ड. यहाँ हंसी है, खुशी है, चाहत है, मस्ती है. यहाँ एक कमाल की सेक्स अपील है. वो रहा ब्लैक जॉन, द माफिया डॉन. आधे शहर पर इसकी हुकूमत चलती है. ब्लैक जॉन जिसके साथ खड़ा है उसका नाम है रॉकी. कल तक जो एक दूसरे की गर्दन काटना चाहते थे आज गले मिल रहे हैं. रॉकी आरएस का राइट हैंड है और वो रहे आरएस. यकीन नहीं होता जब किस्मत साथ देती है तो मंजिल खुद ब खुद इंसान के सामने चलकर आ जाती है. आज यहाँ अंडरवर्ल्ड की नई हिस्ट्री लिखी जाएगी. आरएस और ब्लैक जॉन, इन दोनों की कई सालों से जंग चल रही थी और आज इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया. दो बड़ी ताकतें मिलके एक हो गई और जब दो पावर्स मिलती हैं तो हालात काफी एक्सप्लोजिव हो जाते हैं. यू नो व्हाट आई मीन? आओ तुम्हें आरएस से मिलवाती हूँ. Hey, RS. Hello. Hi. Wow, what a nice hat. Thank you. And a very nice party indeed. Oh, thank you. तो ये पार्टी आपने अपनी बेटी के आने की खुशी में थ्रो की है या कॉम्प्रोमाइज के लिए? No, कॉम्प्रोमाइज तो सिर्फ बहाना है. ये पार्टी हमने अपने जिगर के टुकड़े की खातिर दी है. My darling daughter Tina. Tina. Meet Kamini, the sweetheart of this town. Glad to meet you. Me too. आपके साथ जो साहब आए हैं उनसे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे? Sure. टीना, कामिनी के बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट बहुत लंबी है. इसमें कम हो जाए या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता. बहुत फर्क पड़ता है आरएस. जिनकी जगह दिल में होती है उनका नाम लिस्ट में नहीं होता. And he is my last choice. Okay. Really. John, let's move. Yeah. लगता है पुरानी जान पहचान है. पुरानी नहीं, नहीं. और वैसे भी इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें बरसों से जानता हूँ. अक्सर हमें लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं पर सच्चाई ये है कि एक दूसरे को जानते हुए भी पहचानते नहीं, क्योंकि इंसान की नियत का कोई भरोसा नहीं होता. क्या मतलब? हंसी और दिल में दगा है.
अर्जुन भरा मेरे को एक गल समझ में नहीं आई, आप अपनी कार्रवाई शुरू करोगे कितों? सबसे पहले मुझे आरएस का भरोसा जीतना होगा। वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? वो जब तक आरएस और ब्लैक जॉन के बीच में एनिमिटी थी तो यहाँ के गुंडे और पॉलिटिशियन इस चीज का बड़ा फायदा उठाते थे, पर जब से उन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हो गया है तो यहाँ की गवर्नमेंट से भी बड़ी स्ट्रेंथ बन गए। तो इसका मतलब है उन दोनों दोस्तों के बीच में दुश्मनी की फूट डालनी हो गया। मैं एडिया तोड़ा बड़ा अच्छा है पर मुमकिन नहीं है। विचित्र सिंह, मुझे सिर्फ दोनों गैंग के अंदर की खबर मिलनी चाहिए कि कौन कब कहां जाता है, बस। ओए डू नॉट फियर, सरदार इज हियर। ये काम तुसी मेरे ऊपर छोड़ दो। 20 साल तक इंडिया की क्राइम ब्रांच में मैं कास नहीं कटी है सरदार। तो फिर दोनों दोस्तों के बीच में दुश्मनी पक्की समझो। गुड। अर्जुन परा, डोंट फियर, सरदार इज हियर। ठीक 15 मिनट के बाद एक्सप्रेस टावर के पास, ठीक है? ठीक है, ओके। अबे ओ लंगूर, पहचाना? जिस भाई पर तू इतना इतराता है ना, वो तुझसे भी बड़ा लंगूर है। आजकल आरएस का कुत्ता बना हुआ है, वो बड़ा कुत्ता, तू छोटा कुत्ता। दोनों भाई कुत्ते कुत्ते, मुझे लगता है पूरा खानदानी कुत्तों का है। सारा दिन यूं भौंकते रहते हैं। You son of a gun, I'm gonna finish you, man. Come on, guys, get him!
सब कैसे हुआ डैडी? आज तक आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर आपके ऊपर ही जानलेवा हमला किसने किया? आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और लोगों को अरेस्ट करवाना चाहिए। करेंगे ना बेटी, ये ब्लैक जॉन ने हमसे दाहिना हाथ मिलाकर बाएं हाथ से हम पर वार किया बेटे। वो गद्दार है, गद्दार को सजा जरूर मिलेगी बेटे। पर आज अर्जुन मेरी जिंदगी और मौत के बीच में ढाल बनकर खड़ा ना होता ना, पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा। मैंने जो कुछ भी किया है अपना समझ के किया है, इसे कर्ज का नाम देके मुझे पराया मत बनाइए सर। सच, अपने प्यार और भरोसा जीतने की खातिर उम्मीदें जगाकर मौका आने पर धोखा दे जाते हैं। बेटे, सच्चे इंसान को पहचानने में आरिस ने कभी गलती नहीं की है, इसकी आंखों में सच्चाई है। देखो, परदेश में अपनी जान पर खेलकर ऐसा कोई कर सकता है? सिर्फ वही कर सकता है जो अपना देशवासी हो। अर्जुन। यस सर। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? मैं तो खुद यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन यहाँ के देखा हमारे मुल्क से ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पर है। बेटे, तुम बेरोजगार थे, अब रोजगार की बात छोड़ो, आज और अभी से तुम मेरे साथ काम करो। I swear on you, Junior, where he gives me repose. तेरी कबर की मट्टी सूखने से पहले आरएस की चिता चलेगी। He guides me along the right path. आरएस तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। आरएस का बॉडीगार्ड मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मेरी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मिस्टर ब्लैक जॉन, दुनिया की हर चीज के ऊपर एक प्राइस टैग होती है जिस पे उसकी कीमत लिखी होती है। कीमत का फैसला मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद करूंगा। क्या है तुम्हारा प्लान? ब्लैक जॉन, मैं चाहता हूँ कि तुम आरएस से मीटिंग करो जहाँ दोनों गैंग्स एक दूसरे से निहत्थे मिलेंगे, दैट इज विदाउट वेपन्स। मीटिंग से पहले जब दोनों गैंग्स एक दूसरे की तलाशी ले रहे होंगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे आदमी मेरी भी तलाशी लेंगे। उसी दौरान मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आदमी मुझे वेपन के साथ अंदर जाने दे और तुम्हारा इशारा मिलते ही मैं वो बंदूक तुम्हें दे दूंगा ताकि मौका पाते ही तुम आरएस को ऊपर पहुंचा दोगे। इट इज अ गुड प्लान, बट द क्वेश्चन इज आरएस मुझसे मिलेगा क्यों? वो तुमसे मिलेगा बशर्ते जैसे मैंने तुम्हें कहा है वैसा तुम कहोगे। कॉल हिम अप। आरएस, मेरी बात खत्म होने से पहले तुम टेलीफोन डिस्कनेक्ट मत करना। तुम्हारे ऊपर जो अटैक हुआ था उसकी मैंने बड़ी डिटेल में इंक्वायरी की। द ट्रूथ इज मेरे भाई ने तुम पर अटैक किया था पहले, गलती उसकी थी। मैं इस वॉर को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैं पहले ही अपने ब्रदर को खो चुका हूँ, अब मैं और ज्यादा कुछ नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और इस मामले को फिनिश करना चाहता हूँ। मेरी कोई शर्त नहीं है और मैं तुम्हारी सब शर्त मानने को तैयार हूं। ठीक है, कल 2 बजे हम वाटरफ्रंट पर मिलेंगे। थैंक यू आरएस। गुड, वेरी गुड। ब्लैक जॉन, आज घुटनों के बल घिसट कर तुम्हें हमारे पास आना पड़ा है। पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी उस वक्त तुम हमारे बराबर के पार्टनर थे, आज हमारे सामने तुम्हारी हैसियत बहुत छोटी है। इसे आगे हम जो बोटी फेंकेंगे उसी को खाकर तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं तेरी बोटियों पर जिंदा रहूंगा आरएस। यू मस्ट बी जोकिंग। तूने मेरे भाई का मर्डर किया है
ये बात तेरी ड्रीम्स में भी नहीं आनी चाहिए कि मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। तू मेरे जाल में फंस चुका है आरएस। अर्जुन पलक झपकते ही बाजी को पलट दिया है। वैसे एक बार तुम सहम गए थे कहीं तुमने हमें धोखा तो नहीं दिया है। लेकिन तुमने क्या चालाकी के साथ ब्लैक जॉन से ये रिवॉल्वर हमारे हाथ में थमाई। वाह, हम तुम्हारी वफादारी का कायल हो गए। आज से हम इस शहर के इकलौते बादशाह हैं। मंजिल को तरसते थे, लो सामने है मंजिल। अर्जुन, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारी और कोई मंजिल है? राज कहने से बात पराई हो जाती है और पराई कभी अपने नहीं होते। ट्रस्ट मी। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें आरएस साहब ने चेंबर में बुलाया है। मैं भी आया। हाँ। टीना, तुम किस गुनाह की सजा दे रहे हो? तुम मुझे कौन सी गलती का बदला ले रहे हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा कामनी के साथ? यूं ही तड़पा तड़पा के मारना था तो इंडिया में जगह जगह पर मेरी जान क्यों बचाते रहे? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते तुम? क्यों नहीं देते? दूंगा, तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 11 बजे फोर्ट पर आना होगा। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। बहुत प्यार करती हो ना तुम मुझसे? क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? इतना प्यार करता हूं कि कहते कहते मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे और सुनते सुनते तुम्हारी जिंदगी। मुझ पे भरोसा करो टीना। सच कह रहे हो ना तुम अर्जुन? फिर कहीं धोखा तो नहीं दोगे? आई लव यू अर्जुन। आई लव यू टीना। आई लव यू। तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा लगता सोना सोना।
से अब तेरा मुश्किल है बचपाना। मैं पंजाबी तू पंजाबन फिर क्या शर्माना। तो चल फिर भंगड़ा पाले, तो चल फिर भंगड़ा पाले, तो चल फिर भंगड़ा पाले, तो चल फिर भंगड़ा पाले। ये गोरा रंग ये काले बाल उस पे चाल शामा। ये अनबान ये ज्योतिषाल आशिक महान बाबा। हाथ छुड़ाने की सजा तुम देखना। I will finish you. कामिनी। I will finish you. तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? क्या ये झूठ है कि तुम टीना को इंडिया से जानते थे? क्या ये झूठ है कि तुमने टीना तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया? क्या ये झूठ है कि तुम मुझसे नहीं टीना से प्यार करते हो? ये झूठ है, सब झूठ है। सच्चाई ये है कि ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना ही टीना से। तुम जानना चाहती हो मैं यहाँ क्यों हूँ? तो सुनो, मेरी बहन की तलाश में तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा एहसान है मुझ पर। जिसकी कीमत मैं जानते कर भी नहीं चुका सकता। I'm sorry अर्जुन, ये मैंने क्या किया? अनजाने में बहुत बड़ी गलती। Ah!
शामिली तुम जाओ। सॉरी अर्जुन, मेरा प्यार सच्चा था। यकीन मानो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। हाँ, जरूर मिलेगी। हाँ। कामिनी, मैं प्यार करने वालों के खिलाफ नहीं हूं बेटी, और ना ही मोहब्बत करने वालों से मेरी कोई दुश्मनी है। तुम जिससे प्यार का दावा कर रही हो, तुम इसकी असलियत जानती हो? ठीक, मुझ पर यकीन नहीं है ना? मुझे भरोसा दिलाने वाला, मुझे बेवकूफ बनाने वाला ये अर्जुन कौन है तुम्हें मालूम है? नहीं, ये लो, मुंह सुनी बात नहीं है, अपनी आंखों से देख लो, ये लो। एंड नाउ एन इंपॉर्टेंट फ्लैश न्यूज। टुनाइट द पुलिस फाउंड अ डेड बॉडी ऑफ अ गर्ल कॉल्ड कैमिनी। पुलिस रिपोर्ट सस्पेक्ट्स अ बॉयफ्रेंड Arjun, an Indian resident, as the killer. If someone has any information of his whereabouts, you can contact on 0283-44-11-005. वो इंडिया से सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए आया था, और मुझ तक पहुंचने के लिए उसने कामिनी का इस्तेमाल किया। उसके साथ रंगरेलियां बनाई, और जब तुम उसके जाल में फंस गई तो उसने कामिनी से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की, और जब वो नहीं मारी तो उसको अपने रास्ते से हटा दिया। अर्जुन सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार करता है, समझने की कोशिश करो टीना, ये असलियत है तुम्हारे अर्जुन की। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं बेटी, मेरी बात मान जाओ। हेलो। बस बस भाभी जी, बस ठीक है। अर्जुन ब्रा, बहुत ही बैड खबर है। क्यों, क्या हुआ? और टीना कल मॉर्निंग नू हमेशा वास्ते अमेरिका जा रही है। उसे रोकना होगा। बैग में हाथी है क्या? ठंडा। Christina, your father's asked me to see to immigration. चल चल चल। ओए डोंट फियर, सरदार इज हियर। अब देखो तमाशा। बेबी को जाने देना, वो गीली हुई है, तू तो सूखी है ना। ठंडा पे ठंडा। स्टूपिड। तुमने अपनी असली औकात बताई थी। यू आर नथिंग बट अ ब्लडी क्रिमिनल। तुम कौड़ी हो, कौड़ी। और मैं पागलों की तरह तुम्हारा भरोसा करती रही। शर्म आती मुझे अपने आप पर कि मैंने कभी तुमसे प्यार भी किया था। आई हेट यू अर्जुन, आई हेट यू, आई हेट यू। मुझे मेरी बेटी चाहिए, और वो धोखेबाज भी। अगर मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तो याद रखना, एक एक को चौराहे पर जिंदा काट दूंगा। जा।
जाओ और जाकर पता करो कौन इस शहर में पैदा हो गया है जिसने आरएस के खिलाफ उस कमीने की मदद कर। ये रहा वो। कल रात इसी टैक्सी ड्राइवर ने जख्मी अर्जुन को अपने घर में रखा, उसका इलाज किया, इसी की मदद से अर्जुन टीना बेबी को भगा ले जाने में कामयाब हुआ। यही है वो। बोल कहाँ है अर्जुन? बोल। तुसी मनु डरा रहे हो? ये टॉय गन ऐसे रखी हुई है? जवाब दे वरना ही ये गोली तेरे भेजे को फाड़ देगी। ओए साहब, गोली नाल ता मनु बचपन तो ही प्यार सी, जद निका सी ना ता गोली खांदा सी टाफी, थोड़ा बड़ा होया ता गोली नाल खेड़दा सी कंचे, होर बड़ा होया ता लोकानु गोलियां देंदा सी थोड़ी जी हेरा फेरी। ओए साहब, किसी सरदार नू गोली नाल डराना बेकार है। तू मौत के बहुत करीब है, जवाब दे अर्जुन कहां है? एक तो मनु पता नहीं है, जे मनु पता भी सी कि अर्जुन तेरी कुड़ी नू लेके किथे गया है। वाहे गुरु दी सौ, मनु मरना पसंद है पर दसना नहीं। ओए तेरे जैसे कंजर से डर के जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तुम ये जगह तुम्हें किसने बताई? सरदार विचित्र सिंह ने। मैं उस राजू सिंह की लंका का भेदी हूं। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, विचित्र सिंह की हत्या आरएस ने कर दी। नहीं, ये झूठ है। मेरे डैडी किसी का मर्डर नहीं कर सकते। अब झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो क्या ये भी झूठ है कि तुम्हारे पाप ने कामिनी को मार डाला और आज विचित्र सिंह को भी खत्म कर दिया उसने? तो क्या यह भी झूठ है कि तुम्हारा बाप ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर लड़कियों की प्रोस्टिट्यूशन जैसे घिनौने धंधे भी करता है? रज्जो सिंह, उसने मेरी मां की आंखों के सामने मेरे बाप को मार डाला और मेरी बहन को उठा के लेके चला गया उसे बाजार में बेचने के लिए। मेरी मां इस सदमे से पागल हो गई। वो आज तक हर पल पूजा का इंतजार करती है और अगर मैंने पूजा को अपनी मां से नहीं मिलाया तो वो मर जाएगी। और ये सब कुछ तुम्हारे बाप की वजह से हुआ, तुम्हारे बाप की वजह से। उसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। मैं रज्जो सिंह और उसके अंडरवर्ल्ड को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसे मैं। और इस जंग में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे अर्जुन। तुम्हारी बहन जहां भी हो, बिना कोई शर्त तुम्हें लौटाई जाएगी। टीना, मेरे बच्चे, तेरे बिना। टीना पापा। टीना, हैरान हो आप मुझे देखकर? नहीं बच्चे, हम तो खुश है कि मेरी बेटी लौट आई। जिंदा लौट आई उसका दुख होगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे किडनैपिंग के बाद तो हमने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम सही सलामत देख के बेटा जान पे जान आई है। और उन मासूम जानों का क्या जो आपने ली है?
कौन सी जाने क्या भक रही हो। बाबू याद है जिसे मारकर उसकी बेटी को उठा लाए थे आप? अर्जुन उसी बाबू का बेटा है और उसी मासूम पूजा का भाई। पापा बताइए अर्जुन की बहन कहाँ है? हमें क्या मालूम, अर्जुन मैं भी तो हिंदुस्तान से आया है, उसे पता होगा, हमें तो मुड़ छोड़े हुए पर्स हो चुके हैं। पापा आप झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ? मैं झूठ बोलूंगा? समझ गया, ये अर्जुन ने तुम्हें भड़काया है, वो बाप और बेटी के बीच में दरार डालना चाहता है, ये उसकी चाल है। पापा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे सफाई दे रहे हैं। सफाई किस बात की दूंगा तुम्हें, मैं सच बोल रहा हूँ बेटा। अर्जुन ने मुझे किडनैप क्यों किया? जाहिर सी बात है, पैसों के लिए। तुम जानती तो हो वो एक खतरनाक मुजरिम है, तुम्हें मालूम है उसने कामनी का खून किया है। आपने कामनी को मरवाया था, उस टैक्सी ड्राइवर को भी आपने मरवाया था, और न जाने कितने मासूमों की जानें ली होगी आपने। आप अर्जुन की बहन को बेचने के लिए लाए थे ना, उन मासूम मजबूर बेसारा लड़कियों का व्यापार करके आप बेहद अमीर हो जाएंगे क्या? तो लीजिए पापा, पहले अपनी बेटी को बेच दीजिए, एक मनी क्रेजी बाप का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। मैं उसकी बेटी उसके हाथों अपनी इज्जत बिकवाने के लिए तैयार हूँ। बेच दीजिए मुझे, बेच दीजिए पापा मुझे, बेच दीजिए, बेच दीजिए मुझे। गोली मचा ले बेटा। मैं आपसे आखिरी बार पूछती हूँ, अर्जुन की बहन कहाँ है? सब बता दो बेटा, मैं तेरे बिना जी नहीं सकूंगा बेटा, मुझे ऐसी सजा मत दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं गुनहगार हूँ बेटे। ये सच है कि पैसे के लालच ने मुझे बहुत बुरा आदमी बना दिया, ये सच है बेटे, मेरे कर्मों की परछाई तुझ पर ना पड़े। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुझको अपने से बहुत दूर रखा, मैं अपनी कायरता और अपने गुनाह का प्रायश्चित करूंगा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं अपने इस बाप को माफ कर दे बेटा, अपने इस बाप को माफ कर दे। तू जा अर्जुन को बुला ला, मैं अर्जुन को उसकी बहन तक पहुंचा दूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है। अर्जुन मेरे डैडी मान गए, उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हें तुम्हारी बहन से जरूर मिलवाएंगे। अर्जुन मेरे सर पर हाथ रखो, रखो ना, अब अपनी प्यार की कसम खा के कहो कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और ना ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। पहले तुम मुझसे कहो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। हाँ। हर वादा निभाओगी। हाँ। हमेशा मुझसे यूं ही प्यार करोगी। हाँ अर्जुन। तूने कहा जब से हाँ ये लब मुस्कुराने लगे, जब से हाँ ये लब मुस्कुराने लगे, तूने कहा जब से हाँ ये लब मुस्कुराने लगे, मुझ में जा गई दिल धड़कने लगा, मुझ में जा गई दिल धड़कने लगा, नैन सपने सजाने लगे।
सदमे थे, कुछ दूरी थी, कुछ मेरी भी मजबूरी थी। कैसी गुजरी रातें, कैसे कटे मेरे दिन, तेरे ही लिए बस जिंदा रही तेरे बिन। कैसे गुजरी रातें, कैसे कटे मेरे दिन, तेरे ही लिए बस जिंदा रहा तेरे बिन, जिंदा रहा तेरे बिन। दर्द जाने लगा, झुके तेरी सांसें मुझे चैन आने लगा। आके पास तेरे हर दर्द जाने लगा, झुके तेरी सांसें मुझे चैन आने लगा, मुझे चैन आने लगा। मुझ में जाग गई दिल धड़कने लगा, मुझ में जाग गई दिल धड़कने लगा, नैन सपने जाने लगे। तूने कहा जब से हाँ, ये लब मुस्कुराने लगे। तूने कहा जब से हाँ, ये लब मुस्कुराने लगे। मुझ में जाग गई दिल धड़कने लगा, मुझ में जाग गई टीना। अर्जुन, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, इंसानियत के नाम पर कलंक हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मेरी बहन कहां है? तुम बहुत किस्मत वाले हो अर्जुन, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है। अगर तुमने मुझसे कल पूछा था कि तुम्हारी बहन कहां है, तो शायद वो बिक चुकी होती। हाँ, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आओ मेरे। रजू सिंह मेरी बहन का है। रजू सिंह, सिर्फ तुम्हें ही मालूम है मेरी बहन का है। कौन सी जगह पर है रजू सिंह? प्लीज रजू सिंह, तुम ऐसे नहीं मर सकते। बताओ मेरी बहन का है, कहाँ है मेरी बहन? हाँ, बोलो बोलो। जाओ अर्जुन, रॉकी का पीछा करो, अब वही तुम्हें तुम्हारी बहन तक पहुंचा सकता है। पापा ने कहा था ना कि तुम्हारे पास सिर्फ आज की रात है। तुम्हारे यहां रहने से मेरे पापा तो वापस नहीं लौटेंगे,
लेकिन अगर तुम बाहर नहीं पहुंचे तो बहुत देर हो जाएगी। छोटे पठान, बड़े गुनाह करने वाला छोटे पठान। महाभारत में तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, लेकिन कलयुग में अर्जुन फंसा है। उस अर्जुन को भी चक्रव्यूह तोड़ना आता था छोटे पठान, और मुझे भी। हरामखोर, तेरी वजह से मेरा बरसों का वफादार प्यादा रज्जू सिंह मेरे खिलाफ हो गया और मुझे उसे मारना पड़ा। मैं हर गद्दार की नस्ल तक बर्बाद करता हूँ, नेस्तो नाबूद करता हूँ उनकी हर पहचान को। अफसोस की बात तो यह है कि 10 साल पहले तो बच गया था, लेकिन आज तो छोटे पठान के कहर से तुझे अपना खुदा भी नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। तेरे बाप को मैंने जबान दी थी, पठान की जबान, और कल मैं वो पूरी करूंगा। तेरा बाप ना सही, तू अपनी बहन को बिकते हुए देखेगा। छोटे पठान, रॉके, इसे इतना मारो कि इसका सारा बदन बेकार हो जाए, सिर्फ आंखों से अपनी बहन को बिकते हुए देखे और कुछ कर ना पाए। इसकी बेबसी में मेरी खुशी है, इसकी तड़प में मेरी जीत। छोटे पठान, आह।
खोल और देख देख छोटे पठान के इंतकाम का अंजाम। आज हुस्न के बाजार में हर गद्दार की औलाद बेची जाएगी, चाहे वो रज्जू सिंह हो या फिर बाबू। छोटे पठान, आज के बाद तेरा ये बाजार कभी नहीं लगेगा। मेरी बहन तो क्या, दुनिया में किसी की भी बहन या बेटी इस बाजार में नहीं बिकेगी। मैं तुझे और तेरे इस बाजार को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा। जब आदमी के हाथ पैर बेकार हो जाते हैं, उसकी भड़ास जबान से ही निकलती है। तू अपनी बहन को बचाएगा कैसे बचाएगा? तू अपनी बहन को तभी बचा सकता है जब तू अपनी बहन को पहचान पाएगा। कैसे पहचानेगा? तुम दोनों बचपन में ही बिछड़ गए थे ना? अब वो कली खिलकर फूल बन गई है। तू उसे नहीं पहचान सकेगा। हाँ, मैं तुझे मिलाऊंगा जरूर, जब वो बिक चुकी हो, जब उसकी इज्जत लुट चुकी हो, जब मेरा वादा पूरा हो चुका हो, तब मिलाऊंगा। खुदा कसम, जब उस खुदा ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, तो अपनी बहन को पहचानने का रास्ता भी वो ही मुझे बताएगा।
कैसे है? छोटे पठान, मासूम और बेबस लड़कियों का दलाल, हाँ? किस किस को बेचेगा तू? किस किस को बेचेगा? अरे बेच सकता है तो अपनी माँ को बेच, जिसने तुझ जैसे शैतान को पैदा किया। अरे बेच सकता है तो अपनी बहन को बेच, जिसने कभी तेरी कलाई पर राखी बांधी होगी। छोटे पठान, मैं अपनी पूजा को यहाँ से लेके जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना, अर्जुन को चक्रव्यूह में घुसना आता है और घुस के उसे तोड़ना भी आता है, समझे? वो बात दे। चलो रीना, अर्जुन जाओ, चलो चलो। Oh,
छोटे पठान के पंजे से आज तक कोई दुश्मन नहीं बच सका, तू क्या बच पाएगा? भैया, भैया, बचा ले तो भैया, ये ले तो भैया, ये ले तो अड्डे पर सभी यात्रियों का मैंने कहा था तुमसे, जीत मेरे अर्जुन की होगी। तुम अपनी तलाश में कामयाब हुए। अर्जुन, माँ जी, माँ ये टीना, ये वो मुझे मालूम है, भाई सब ने बताया मुझे, किस्मत ने एक बेटी छीनी थी, भगवान ने दो बेटियां लौटा दी। शाबाश, चलो चलो, चलो। जब से हाँ ये लब मुस्कुराने लगे, तूने कहा जब से हाँ ये लब मुस्कुराने लगे, मुझ में जा गई दिल धड़कने
सपने सजाने लगे। तूने कहा जब से हाँ ये लब मुस्कुराने लगे, तूने कहा जब से हाँ ये लब मुस्कुराने लगे। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.